हाँ चलिए देखिएगा, जो हम लोग कल कर रहे थे पिछले वीडियो में कि सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत था उसमें टोटल 190 प्लस प्रश्न था, जिसमें से 100 ऑलरेडी पहला पार्ट में अपलोड कर चुके हैं और आप लोग को दे भी दिए है ना। वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है, जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिएगा। बाकी आइएगा 101 नंबर से देखेंगे। 101 नंबर जो प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। 101 का आंसर कीजिएगा खड़ी बोली। और जो लोग नहीं देखे हैं पहल का वो जाके पहल को देख लीजिएगा, अपलोड कर ही है, बाद में नहीं कहिएगा कि छूट गया है सर। दूसरा 102 नंबर, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग आया था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दो मुद्रा जीतल और टंका, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने, तुर्कों ने पोलो खेला था। हाँ किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, महमूद गजनवी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक तरफ संस्कृत लिख में लिखा हो रहता था और दूसरी तरफ चांदी का मतलब कि एक नॉर्मल रहता था। आगे अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए। 106 का हो जाएगा गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी ने किया सेनाध्यक्ष बनाया था तुगलक वंश का प्रथम, तो गाजी मलिक। जवाबित क्या था, ये अक्सर पूछता है, जवाबित किसका कानून था, तो एक राज्य कानून था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। बिजारत, बिजारत तुगलक के समय में आएगा, ठीक है। प्रश्न है कि 109 नंबर, कथन और कारण है। कथन कहता है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण कहता है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सही आंसर ये सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। हाँ पहल का सही है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और दूसरा का गलत है। आगे आएंगे 110 पे। 110 कहता है सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। सूची एक में है आपका लेखक और सूची दो में है पुस्तक, मिलाइएगा। जियाउद्दीन बरनी का पुस्तक तारीख है फिरोज शाही, ठीक है। उसके बाद हसन निजामी, हसन निजामी का कौन सा, ताजुक मासिर, ऑप्शन नंबर मतलब तीन नंबर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज कौन सा, तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। फिर याहिया बिन अहमद सर हिंदी तारीख मुबारक शाही, हाँ मिला लीजिएगा। जियाउद्दीन बरनी का तारीख है फिरोज शाही, हसन निजामी का है ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज का है तबकात नासरी, और याहिया बिन अहमद सर हिंदी का है तारीख मुबारक शाही। प्रश्न है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। रत्ती या रक्तिका, हाँ संस्कृत में रक्तिका कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। डाक व्यवस्था, तो सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, डाक व्यवस्था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने कहा था। प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, ग्यासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली के उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा,
ये सब वीडियो को ना एक बार जब वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद भी फास्ट स्पीड ही सही, दुगना ही स्पीड में, मगर एक बार और सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को, ऑप्शन नंबर डी। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। सबा के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, अमीर खुसरो। चलिए 122 नंबर पे आएंगे। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शान यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब यानी कि खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा का नायाब तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसको दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप, चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये अब ये सभी अफगान शासक, बहलोल लोदी पहला अफगानी था, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया, गुलामों का एक नया बंदगान किया था दीवाने बंदगान, जो सही है, बाकी अन्य सभी गलत हैं, ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा 35 का कथन और कारण है। 35 कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा, और कारण कहता है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। दोनों सही हो जाएगा, ये और आर दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी है, हाँ ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 136 है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलिया ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां के अधीन मंगोलिया ने किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने बंदगान तुगलक। बाकी अगर देखा जाए दीवाने मुस्तखराज कौन लाया था? दीवाने मुस्तखराज किसका था बताइए? ना, दीवाने मुस्तखराज बलवन का नहीं है, ये मुस्तखराज, हाँ दीवाने को ही बलवन का है,
रुकिएगा, दीवाने अर्ज अलाउद्दीन खिलजी का, दीवाने मुस्तखराज सैद फिरोज शाह तुगलक का है ना, फिरोज शाह तुगलक का होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा इसको, ध्यान में नहीं है। ठीक है, सबका एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, बाकी सही आंसर आपका ये दीवाने बंदगान। 138 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, अधिशेष राशि, ठीक है, फवाजिल होता था। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, सबसे ज़्यादा नहर बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक, शुरुआत करेगा तो ग्यासुद्दीन तुगलक। 140 है कि कथन कहता है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, ठीक है। दूसरा कहता है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। 140 का आंसर करेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी। हाँ, एक और इसको पढ़ लीजिएगा आराम से कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, उसके बाद क्या कहता है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया। 141 से अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भाव उपाधि धारण किया था, कौन सा? जिल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश। 143 से इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, कौन सा? 143 नगौर और जादवपुर। हाँ, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा के प्रेरणा स्रोत बनाया गया था, मतलब कि बुलंद दरवाज़ा को देख करके बनाया गया था, तो नगौर और जोधपुर में है अतारकिन का दरवाज़ा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आता है, अगला प्रश्न है हमारा 144, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान या चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश गठन किया, इल्तुतमिश खत्म करेगा बलवन। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलवन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था, बलवन का प्रतिद्वंदी कौन सा हो जाएगा? इमामुद्दीन है रेहान, राज दरबार में बलवन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलवन, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तुगरिल खां का विद्रोह बलवन के समय में हुआ था, लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह बलवन के समय में। चलिए आगे, अगला प्रश्न 148 नंबर की, बलवन ने वित्त विभाग दीवाने बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था बलवन का सैन्य विभाग दीवाने आरिज का आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना, कहा जी सबके नींद आने लगा, कहा है नींद आ रहा है, छुट्टी कर दें। एग्जाम के बाद नींद आएगा, लग तो रहा है कि सब नींद में, नहीं ना। अच्छा चलिए, 149 नंबर कहता है किसने राज दरबार में सीजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? बलवन। हाँ, बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? किसका वंशज था? अफरासियाब का, अफरासियाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहनामा में वर्णित है। आगे है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था
दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? 51 के बी। कभी कभी हमको भी आप लोग बलवन बना देते होंगे जी। डांट देते होंगे, कब बोलते होंगे कि कोई नहीं बोलेगा, तब सब कहते हैं कि सर बलवन हो गए। नहीं, उपाधि उपाधि नहीं दीजिएगा हमको, हम बलवन नहीं हैं। चलिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 52 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी कि किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन, फिरोज, खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 153। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल घटना घटी थी? तो 153 का क्या हो जाएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं कौन सी थी? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी में क्या क्या, तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, फिर दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ, और उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना यानी कि नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सभी फिरोज खिलजी के समय का। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी के समय में दक्षिण पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, देवगिरी के यादव शासक था रामचंद्र, है ना। तो यहाँ से देखिएगा प्रश्न निकलेगा कि देवगिरी का शासक कौन था जिसके समय प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ दक्षिण में, तो रामचंद्र पर। उसके बाद पूछेगा कि दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वंश पर, मतलब किस शासक पर हुआ, तो रामचंद्र पर। कहाँ का शासक, तो देवगिरी का यादव शासक। किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। आगे, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली में किस सुल्तान को है? दीवाने वकूफ कौन बनाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? कौन, किसको खरीदा था? मलिक काफूर को। हाँ, गुजरात विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी ने खंभात से खरीदा था, किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 159 है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। दक्षिण अभियान 7 से 12 किया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, पराजित राज्य का क्रम। 159 का देखेंगे, हाँ देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन यानी कि राजाओं की राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिया? कौन? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, फिर राय रायन की उपाधि दी और गुजराती का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिया। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसने किया था? प्रताप रुद्रदेव ने, प्रताप रुद्रदेव ने किया था। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। 162 का ए होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने भारत विजय यानी विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। किसने 4 अध्यादेश जबती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया?
अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़े का दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? दाग और हुलिया प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई गई? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, एक अश्वा यानी कि एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अश्वा यानी दो घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है जो बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। भूमि अनुदानों की समाप्ति मुकदमा खूतों व चौधरियों यानी कि एक सौ उनहत्तर का क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूमि अनुदानों की समाप्ति। फिर दूसरा कहा कि मुकदमा खूतों व चौधरियों यानी कि मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना। तीसरा कहता है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज यानी कि भू राजस्व निर्धारित। और चौथा कहता है जकात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। ये सभी अगला आएंगे। अगला प्रश्न है सराय ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतुन राजमहल, हजार खंभों का राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। सीरी का किला और हजार सतुन राजमहल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, किसने रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तरीके ए एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? बीच का रास्ता और सुल्तान का तरीका, रस्म ए मियान और तारिक ए एतदाल, ये राजस्व सुधार शुरू किया था कौन? तो ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन से के गिरने से हुआ था? ग्यासुद्दीन तुगलक का हुआ था अफगानपुर या तुगलकाबाद में मकान गिरने से। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ध्यान से दीजिएगा आंसर, ग्यासुद्दीन तुगलक। हाँ, नया बोलेगा मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, प्रथम बोलेगा तो ग्यासुद्दीन तुगलक और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है अबुल मजाहिद। ठीक है, आगे सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नवस्थापित राज्य, और दूसरा है राज्यों के संस्थापकों को सुमेलित करना। कितना नंबर? 177। चलिए सुमेलित कीजिए। मदुरा, मावर, मावर कहाँ का? मावर का हसन गंगू। मदुरा का क्या हो जाएगा? एक मिनट, मदुरा का जलालुद्दीन अहसान शाह। हाँ, मदुरा का जलालुद्दीन अहसान शाह। विजयनगर का हरिहर एवं बुक्का, वारंगल का कन्हैया और बहमनी का हसन गंगू। ऑप्शन नंबर ए, मदुरा मावर का देख लेंगे, जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर का हरिहर एवं बुक्का, वारंगल का कन्हैया और बहमनी का हसन गंगू। अगला है कि मेरा सारा राज बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी राज। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे कुछ और प्रश्न है, 81 नंबर आएंगे। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य के संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। हाँ, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर बजे यानी कि भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक। फतुहाते फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक के सर्व सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक का है हक के सर्व। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल। हाँ, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, हुसैन शाह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? 190 का तो डी नंबर। कहता है कि योगियों के साथ हजबीरी का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। ये गलत है, बाकी सही क्या है वो देख लेते हैं। तो कहता है कि अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भागवत गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में किया, ठीक। दूसरा कहता है कि अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान है। तीसरा कहता है सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। ये तीन को सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक और पढ़ लीजिएगा उसको। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। हाँ, और आखिरी प्रश्न है कि चंगेज खां का मूल नाम था? तेमुचिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा सल्तनत काल, है ना, जो कि समाप्त हो गया। तो कल हम लोग करेंगे सल्तनत काल का 1206 से 1526 यानी कि विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज। तो इसका सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अन्य प्रांतीय राज में वही मिलेगा आपको जो छोटे छोटे प्रांत थे आपका वारंगल वगैरह विजयनगर का, वो सभी मिलेगा। फिर आपका बीजापुर गोलकुंडा बरार ये सब मिलेगा। इसमें भी लगभग आपको होंगे 100+ प्रश्न। कितना प्रश्न है इसमें? 114। वो अगले दिन, हाँ अगले क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी के लिए सबको धन्यवाद।